हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई का मतलब एक इकोनॉमी में हम सब के पास में जितना भी हमारे घरों में, हमारे बैंक में और अदर इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा पूरे इकोनॉमी में जो पड़ा हुआ है उसको हम मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है, तो बैंक इसको किस तरीके से कंट्रोल करता है, इसका मतलब यह है कि बैंक इसको कैसे बढ़ा देता है इकोनॉमी के अंदर पैसा, और किस तरीके से पैसे को इकोनॉमी से कम कर देता है। अब सवाल यह है कि सर बैंक क्यों करता है। मैं बैंक बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप इन बैंकों को मत समझिएगा, SBI, PNB, येस बैंक, HDFC बैंक। मैं बैंक बोल रहा हूं तो मतलब मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूं, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, वो बैंक जो कि करेंसी इशू करती है, जो पैसे छापती है, मैं उस बैंक की बात कर रहा हूं। तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा देता है और कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम कर देता है। अब इस आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, सर ठीक है, इस बात को हम समझेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाता है और कैसे मनी सप्लाई को कम करता है, लेकिन क्यों करता है भले वो तो बताइए, क्या जरूरत आ पड़ी है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया और मनी सप्लाई को कम कर दिया। तो इसके पीछे कुछ कारण है। एक सबसे पहला मैं पॉइंट बताता हूं आपको, इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं महंगाई। ठीक है, सबसे पहले महंगाई क्या चीज है, जब किसी कॉमोडिटी की प्राइस अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाए, बढ़ता चला जाए लगातार किसी वस्तु की कीमत, तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है। जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लगातार वो सभी वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इसे महंगाई कहते हैं। अब दूसरा सवाल है कि सर इन्फ्लेशन से क्या नुकसान है। तो इन्फ्लेशन का नुकसान ये है कि मान लीजिए मैं एक ऐसा आदमी हूं जो गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं बट गरीबी रेखा के ऊपर हूं, हाँ मैं किसी तरीके से अपने लिए 2 वक्त के भोजन का बंदोबस्त कर पाता हूं, दिन का मैं 200 रुपए कमाता हूं, 200 रुपए में 2 वक्त का खाना मेरे अपने परिवार के लिए ले आता हूं किसी भी तरीके से। और हुआ क्या, चीजों के दाम बढ़े, चीजें हो गए 400 रुपए के। अब वही 200 रुपए में मैं तो एक ही टाइम में खाना ला पाऊंगा, तो एक टाइम तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा, तो मैं बिलो दी पॉवर्टी लाइन आ गया, मतलब गरीबों की संख्या देश में बढ़ गई। तो देश में गरीबों की संख्या बढ़ जाती है, गरीबी आ जाती है, इसलिए कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन को पसंद नहीं करती है, और वहां की जनता खासकर इस चीज को पसंद नहीं करती है। तो अब सवाल यह कि सर ये तो समझ में आ गया इन्फ्लेशन क्या है, ये समझ में आ गया इन्फ्लेशन के साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन सर ये बताइए इन्फ्लेशन आता क्यों है, किस वजह से आता है। तो बच्चे इन्फ्लेशन क्यों आता है, आप सिंपल सी बात है कुछ छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। अभी 2 साल पहले कुछ सबसे पहले कोविड आया था, फर्स्ट राउंड जब लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने से पहले एक हम न्यूज में सुन रहे थे कि इस तरीके से कोरोना वायरस है, चाइना में ये हो रहा है, विदेशों में इतने इतने केसेस डेली आ रहे हैं, इंडिया में भी आ गए हैं, अलर्ट पे हो गए थे। तो उस समय इससे बचाव क्या था, क्योंकि कोई उपचार तो था नहीं, तो इससे बचाव क्या था, बचाव ये था कि हमारे पास में सैनिटाइजर हो, मास्क। तो हम सब ने क्या करा, सैनिटाइजर और मास्क के पीछे हम भागे कि हमें चाहिए मास्क चाहिए और सैनिटाइजर चाहिए कोविड से बचने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, डिमांड कितनी ज्यादा हो गई थी एकदम से, बट सप्लाई तो उसकी एकदम से नहीं बढ़ पाई ना। फैक्ट्री को थोड़ी पता था कि कल लॉकडाउन लग जाएगा, एक कोरोना वायरस आ जाएगा अगले महीने, जो कि वो पहले से माल पैदा करके रखता, फैक्ट्री तो अपने नॉर्मल प्रोडक्शन कर रही थी, बट डिमांड एक बढ़ी पर सप्लाई के लिए वो अवेलेबल था नहीं। तो आपने देखा वो मास्क 250 में बिका, कितनी कीमतें बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो भैया कीमतें क्यों बढ़ती हैं, कीमतें इसलिए बढ़ती है जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। और बात करें किसी भी इकोनॉमी की, तो उस इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो रिसोर्सेज की हेल्प से होता है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। और हर इकोनॉमी के पास में ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर मतलब कि जिसके पास में व्यवसाय करने के रिस्क लेने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है। अब बताइए अब 100 रुपए आपके हाथ में हो तो 200 रुपए खर्च कर पाओगे नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम
अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, क्योंकि जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, अगर एक फुलफिल हो जाती है तो हम दूसरे वांट्स करने लग जाते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वहां के जो लोग हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सीन रहेगा क्या कि डिमांड जो है आपका वो ज्यादा रहेगा सप्लाई कंपेटिवली, तो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो कमोडिटीज क्या होंगी, प्राइजेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन आएगा। अब सवाल है कि लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? खैर लोगों की तो इच्छा है, वो तो शुरू से रहती है इच्छा, लेकिन लोग आज डिमांड मार्केट में जाकर के, एक होता है ख्वाहिश पालना कि मेरे पे मर्सिडीज हो, मेरे पास फरारी हो, एक होता है ख्वाहिश, ख्वाहिश में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनता ख्वाहिश पाल रही है तो उसमें महंगाई नहीं बढ़ता, लेकिन जब जनता बाजार में उतर के डिमांड कर रही है महंगाई उससे बढ़ती है। तो चलिए, ये बाजार में उतर के डिमांड क्यों कर रही है, क्योंकि जनता के पास में पैसा आ गया है, आप पे पैसा, आप ख्वाहिश तो आपकी भी है, लेकिन क्या आप डिमांड कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में पैसा नहीं है। तो जब इकोनॉमी में लोगों के पास में पैसा आ जाता है ना, तो लोग अपने, मैं ही नहीं कह रहा सबके सब फरारी खरीदते, बट जिसकी जो डिमांड है वो पहले से ज्यादा हो जाती है, तो इकोनॉमी में डिमांड का लेवल बढ़ जाता है और फिर प्राइजेस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो वो किसको जन्म दे देगा? वो डिमांड को जन्म दे देगा, और डिमांड क्या करेगा? इन्फ्लेशन को जन्म दे देगा। मेरी बात समझे? क्लियर है? अब इस महंगाई से तो सरकार को निपटना है, इस महंगाई से तो इकोनॉमी को निपटना है, कि इकोनॉमी और सरकार इस महंगाई से कैसे लड़ेगी। तो अब ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि इकोनॉमी के पास में पैसा है, मतलब कि जनता के पास में पैसा है, जनता के पास में अगर पैसा है तो उसका डिमांड का लेवल बढ़ गया, डिमांड का लेवल अगर उसके पास में बढ़ गया तो सप्लाई कम पड़ गया, कॉम्पिटिशन कंज्यूमर में क्रिएट हो गया और प्राइसेस इंक्रीज हो गई, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आ गया। अब ये जिम्मेदारी सरकार के पास में है कि वो इन्फ्लेशन को रोके, क्योंकि जो गरीब जनता है जो किसी तरीके से दो वक्त के अपने लिए भोजन का इंतजाम कर पा रही है, वो इस महंगाई में अपने आप का एक वक्त के भोजन पर आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, तो गरीब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाएगी, तो सरकार इसको रोकेगी। सरकार ऐसे नहीं रोक सकती ना कि पुलिस वाले मंडी में उतार दें कि जो आलू खरीद रहा है उसको पकड़ ले, कि क्यों डिमांड क्यों, आप गोलगप्पे खा रहे हो आपको पकड़ ले, इधर आ, यू आर अंडर अरेस्ट, आप डिमांड कर रहे हो, आपके से महंगाई हो रही है। ऐसे तो महंगाई सरकार नहीं रोकेगी ना बच्चे, या सरकार ऐसे भी नहीं महंगाई को रोकेगी कि पुलिस वालों को बोलेगी घरों में जाओ चोरी करो, पैसे कम करो इनके, ये महंगाई कर रहे हैं ऐसे, तो सरकार क्या करेगी? हाँ, ये जरूर करेगी कि इकोनॉमी से आपने होली में पिचकारियां चलाई है, बचपन में चलाई होगी ना, कैसे पहले पानी कैसे करते खींचते हैं, है ना, फिर उसके बाद पानी को मारते हैं, तो सरकार इकोनॉमी से पैसा इसी तरीके से खींचेगी। कैसे खींचेगी? वही टॉपिक है मेरा, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, मैं बताऊंगा, बट पहले समझ में आया कि जब इन्फ्लेशन आता है तो पैसा निकालेगी। इसी का एक दूसरे तरफ एक पहलू और है, दूसरा पार्ट एक और है, रिसेशन को समझना होगा आपको। मंदी क्या होता है? मंदी में क्या होता है कि चीजों की कीमतें लगातार डिक्रीज होने लग जाती हैं, चीजों की दाम गिरने लग जाती हैं। आप कहोगे हे भगवान इतनी अच्छी बात कि वस्तुओं की कीमत में लगातार गिरावट आना, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महंगाई तो बुरी चीज है गरीबों के लिए, अब तो गरीबों के लिए अच्छी चीज होगी ना। नहीं बच्चे, इन्फ्लेशन फिर भी ठीक है, रिसेशन उससे भी खतरनाक चीज है। वस्तुओं के दाम लगातार गिरना वो भी ज्यादा डेंजरस होता है। कैसे डेंजरस होते हैं? अब सवाल ये है, वस्तु के दाम गिरते क्यों है वो समझिएगा। ऐसा तो नहीं आपकी दुकान है और आप समाज सेवा करने के लिए दाम गिरा बैठे, सिंपल सी बात है, आप इसलिए दाम गिरा रहे हो आपको सामान बिक नहीं रहा है। तो एक बात मैं बताता हूं, बात समझ रहे हो? आया ना समझ में? आया नहीं आया? तो यहां पर क्या होता है कि आप एक इकोनॉमी के पास में क्या होता है कि जब लोगों के पास में पैसे नहीं होते, जैसे कि लॉकडाउन के जस्ट बाद की सिचुएशन देखिएगा, आपके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे, एकदम से आप बोल देंगे, जैसे मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन अभी धीरे धीरे हटा रहे हैं, 1 तारीख से धीरे धीरे लोग बाहर निकल सकते हैं, उसी दिन आप कहते पापा जी कपड़े लूंगा सूट लूंगा, पापा आपको मारते उस दिन, कहते बेटा अभी तो लॉकडाउन हटा है, घर में पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, 2 महीने से घर में बंद थे, और अब ये आप कह रहे हो
कि भैया कपड़े दिला दो, गाड़ी दिला दो, वहां घुमाने ले जाओ, कहां से पैसे यार। अरे कपड़े वपड़े छोड़ो, अगर आप ट्यूशन की फीस ही मांगते तब भी वो कहते कि अभी 1-2 महीने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, अभी लॉकडाउन लगा था, अभी पैसे नहीं है। तो जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता है ना, पैसों की कमी होती है ना इकोनॉमी के अंदर, तो लोगों के डिमांड का लेवल कम हो जाता है। जब डिमांड का लेवल कम हो जाएगा ना, तो बेचारे फैक्ट्री वाले ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, कोई आए मेरा सामान खरीदे, अरे बाजार में ग्राहक ही नहीं है, बाजार में ग्राहक ही नहीं है, तो फिर उन लोगों का क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक, तो उन लोगों क्या होता है, उन लोगों का जो है अनसोल्ड स्टॉक खत्म हो जाता है। बात समझे, समझे, सॉरी, उन लोगों का अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, बाजार में कस्टमर ही नहीं आया तो जो माल बनाया वो बिका, माल बचा रह गया। अब जब माल बचा रह गया मैं दोबारा बनाऊंगा, जब बिकेगा तब बनाऊंगा ना, तो जो मेरे पास माल बनाने आए लोग हैं उसको मैं बोलूंगा कि भाई साहब अभी मैं आपका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं कमेंट से कह दीजिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, बातें बात थोड़ी करूंगा। हाँ जी, तो यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर बाजार में कंज्यूमर्स नहीं है तो अनसोल्ड स्टॉक बचा, अब अनसोल्ड स्टॉक बचा तो क्या और प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लेबर पहले प्रोडक्शन कर रहे थे उनकी क्या होगी, छुट्टी, बेरोजगार होंगे, होंगे नहीं होंगे बेरोजगार, तो देश में इकोनॉमी में बेरोजगारी फैलने लग जाएगी, और जब देश में बेरोजगारी फैलेगी तो डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, या और डाउन होगा, लोगों के पास में पैसा और कम, भैया एक आदमी कमाता है तो 10 कमाते हैं उसके दम पे, नहीं समझे आप, मैं कमा रहा हूं तो मेरी कमाई से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, मैं कमा रहा हूं तो जो सफाई करते हैं उनका खर्चा होता है, मैं कमाता हूं तो जो मेरे लैंडलॉर्ड है उनकी कमाई होती है, बात समझे, मैं कमाता हूं तो जो सिस्टम चला रखा है इसका, जो कैमरे से पढ़ा रहा हूं इस कैमरे वाले की कमाई होती है, सबकी कमाई, अगर मैं ही बैठ जाऊंगा तो सबकी कमाई रुक जाएगी, तो जब बेरोजगारी आएगी तो एक बेरोजगारी से 10 बेरोजगारी फैलेगी, और उस 10 से 100 बेरोजगारी फैलेगी, तो ये बेरोजगारी कितनी तेजी से स्प्रेड होगी इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास जो मनी का, जो पैसे का लेवल था वो क्या हो जाएगा, और तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, तो बेरोजगारी, और तो भैया इससे तो यार जब आपके जेब में 100 रुपए था, चीज 200 की थी, तब भी तो आप उसको खरीद सकते थे, पूरा नहीं आधा खरीद सकते थे, लेकिन जब आपके जेब में 0 रुपए है और वो 1 रुपए का है, तब तो कुछ भी नहीं खरीद सकते मेरे भाई, तो महंगाई में तो कुछ तो ले आओगे, मंदी के दौर में तो कुछ भी नहीं ला पाओगे, समझे या नहीं समझे। तो मंदी को महंगाई से भी बुरा दौर माना जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का दौर होता है। अब इस दौर को ठीक कैसे करेंगे, बस थोड़ी पुलिस वाले आएंगे आपको पकड़ेंगे मंडी में, इधर बस 1 किलो आलू 2 किलो और ले, ऐसे थोड़ी रोजगार देंगे, कैसे दूर होगा ये, इकोनॉमी में पैसे डालने की जरूरत है, लोगों के जेब में पैसे डालने की जरूरत है। अब पैसा ऐसे ऐसे डलेगा, पैसा तरीके से डलेगा, वो तरीका क्या है, वो तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, बात समझे या नहीं समझे। तो आपको पता है जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो इकोनॉमी में पैसा डालने की जरूरत है, पैसा निकालने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, और जब रिसेशन आएगा, बात समझे, तो जब पैसा डालेगा लोग डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, चीजों का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, उनसे और डिमांड का लेवल बढ़ेगा, डिमांड का लेवल और बढ़ेगा और गुड्स सर्विस प्रोडक्शन होगी, उससे और एम्प्लॉयमेंट हायर होंगे, इससे रोजगार, समझे। तो एक बात तो कंफर्म है, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या करेंगे, इकोनॉमी से पैसा निकालेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे, और जब रिसेशन आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सेंट्रल बैंक इसलिए तो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर, ताकि वो इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल कर सके। अरे भैया बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, क्लियर है, मैं पूरी कहानी से अच्छे से चीजें क्लियर कर रहा हूं, पढ़ोगे तो मक्खन की तरह समझ में आएगा सब कुछ, क्लियर है। हाँ जी, तो आइए, तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मनी सप्लाई मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, इकोनॉमी में ना जो उधार चल रहा होता है, जो बैंक कहता है आओ आओ क्रेडिट कार्ड ले जाओ, पैसे ले जाओ, खर्च करो, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, सब ले लो, क्रेडिट कार्ड हम आपको ऑफर करते हैं, जो क्रेडिट है इसको कैसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, सवाल ये, तो कैसे करेगी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। जो भी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करेगी, सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसी लागू करेगी जिससे मनी सप्लाई बढ़े या घटे, उस पॉलिसी को मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो भी स्टेप लेगी जिससे मनी सप्लाई बढ़े या घटेगी, उस सभी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। बात समझे? क्लियर है? मैं मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा। यह मॉनिटरी पॉलिसी है। इट इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन क्रेडिट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एज आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में मोनोपोली है, ये पैसे को जारी करती है, पैसा छापती है ये, तो ये छाप करके भी मनी सप्लाई बढ़ा सकती है, और कोई बैंक थोड़ी छापती है, ये छापती है। कैसे? अब पॉइंट पे आते हैं मेन में। हाँ जी, रेपो रेट, ठीक है ना, या रीपर्चेस रेट। रेपो रेट क्या होता है? सवाल ये है, रेपो रेट क्या होता है? अब बात समझिएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी हम, समय है, समझ रहे? पॉइंट पॉइंट समझिएगा, रेपो रेट क्या होता है बच्चे। आप, मैं हूं सेंट्रल बैंक, मैं पैसा छापता हूं, आप हो कमर्शियल बैंक, आपका संबंध जनता के साथ है, मेरे साथ में भी है, आप लोगों का खाता मेरे पास खुला हुआ है, बट आपका कनेक्शन पब्लिक के साथ में भी है, पब्लिक के डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करते हो एज अ सेंट्रल बैंक। मैं पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूं, समझे? तो मैं सेंट्रल बैंक हूं, मेरा काम है कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना, जैसे SBI, PNB, एक्सिस, HDFC, यस बैंक, इन सबको। मैं सेंट्रल बैंक, आप चाहते हैं कि सर आप मेरे पास आते हो सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक बोलते हो हाँ क्या हुआ? आप कहते हो थोड़े पैसे दे दो उधार चढ़ाने, पैसे कमाऊंगा, आप तो मैं सेंट्रल बैंक कहूंगा, दे तो दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? तो आप कहोगे मुझे, आप कमर्शियल बैंक हो, आप कहोगे सेंट्रल बैंक हम आपको ब्याज देंगे, जैसे पब्लिक के साथ में करते हैं, समझे? तो आप हमें पैसे दे दो, आपका हम 5% ब्याज दे देंगे, जनता को आपका पैसा हम 15% चढ़ा देंगे, क्योंकि जनता से कनेक्शन तो हमारा है, आपका थोड़ी है, 10% हमारा बचेगा, वो हमारा प्रॉफिट है, कमाने दो हमें, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको लोन, लेकिन मैं उस पर कुछ ब्याज लूंगा ना, अरे शॉर्ट टर्म लोन दे रहा हूं मैं आपको, एक साल में पैसा वापस कर देना मेरा, ध्यान से सुन लो, ब्याज लूंगा, लूंगा नहीं लूंगा, ब्याज लूंगा। तो जब कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करती है सेंट्रल बैंक को, उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं, समझे? क्लियर है? वो जो 5% आप दोगे ना पब्लिक से, जो लोगे सो छोड़ो, जो मुझे सेंट्रल बैंक को 5% दोगे, ये रेपो रेट है, बात समझे? क्लियर है? अब रेपो रेट का क्या रोल है? अब बच्चे बात समझिए, इन्फ्लेशन है तो सरकार को क्या करने की जरूरत है, सेंट्रल बैंक को क्या करने की जरूरत है? मनी सप्लाई बढ़ाने की या घटाने की? घटाने की है ना, घटाने की जरूरत है। तो यहां पर आप, मैं देखूंगा पैसा घटाना है, अब आप कमर्शियल बैंक मेरे पास आओ लोन लेने के लिए, बोलो सेंट्रल बैंक बोलो सेंट्रल बैंक लोन दे दो, मैं बोलूंगा तुम्हें लोन दे दो, तुम जनता को पैसे दोगे, और ये सारे के सारे मांग करने में लग रहे हैं, पूरी महंगाई बढ़ा रखी है उन्होंने, गाड़ी मोटर कार बंगला पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, मैं काम करूंगा रेपो रेट बढ़ा दूंगा, 5% भी दूंगा, 8% भी दूंगा, एग्जाम्पल समझाने के लिए मोटे मोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना थोड़ा बहुत बढ़ता करता है, इतना ज्यादा गैप नहीं आता, 8% में दूंगा, लोगे लोन? होगे लूंगे। अब जो आप अगले को 15% में दे रहे थे, अब अगले को आपको 22% ऑफर करोगे पब्लिक को, समझे नहीं समझे? तो लोन महंगा हो गया कमर्शियल बैंक के लिए, और पब्लिक के लिए भी लोन महंगा हो गया, पब्लिक कहेगी नहीं भाई घर अगले साल बना लेंगे, नहीं चाहिए लोन, किराए के मकान में रह लेंगे, नहीं चाहिए हाउस लोन, तो पब्लिक अपने आप ही लोन लेना आपसे, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई, डिमांड कम हो गया, तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाए, और फिर पब्लिक लोन कम लेगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जनता पैसा कम हो जाएगा, और उससे महंगाई को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अरे भैया समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? समझ में आया? क्लियर है? अब चलिए, अगर रिसेशन है, मंदी है, क्या करोगे? उसमें पैसा डालने की जरूरत है, पैसा निकालने की जरूरत है,
डालेंगे पैसा, कैसे डालेंगे? मैं बोलूंगा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक यहाँ यहाँ लोन ले ले यार, पब्लिक वब्लिक का पैसा छोड़ा, पर घबरा क्यों रहा? 8% छोड़, 4% पे ले जा, ले जाओ यार, ठीक है सस्ता मिल रहा है, ले जा रहा हूँ। अगले को 4% नहीं मिल रहा, अगला 10% में चढ़ा देगा पब्लिक को, पब्लिक के लिए सस्ता पड़ रहा है लोन, पब्लिक भर भर के लोन लेगी, लेगी नहीं लेगी? मनी सप्लाई बढ़ी नहीं बढ़ी इकोनॉमी में? डिमांड बढ़ा नहीं बढ़ा? तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा नहीं होगा? रिसेशन से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो इन्फ्लेशन में रेपो रेट क्या होगा? बढ़ेगा।
हेलो, आ गया आ गया। ठीक, हेलो हेलो। ठीक, हाँ जी, अब सामने देख। हेलो हेलो, हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर तो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जैसे रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो उधार लेने का जो कॉस्ट है कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक से उधार लेना महंगा पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, इन द रेपो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इज फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स। तो ये कमर्शियल बैंक को फोर्स करेगा कि भाई तुम अपने भी रेट, जाहिर सी बात है, बात तो बनेगी नहीं ना, उसको रेट बढ़ाने पड़ेंगे। विच डिस्करेज द बोरोअर्स, जो कि बोरोअर्स को डिस्करेज करेगा लोन लेने से, नहीं लेना चाहेंगे, फ्रॉम टेकिंग द लोन। इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। कमर्शियल बैंक इससे क्रेडिट ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आज डिक्रीज इन द रेपो रेट विल हैव टू द अपोजिट इफेक्ट। डिक्रीज करेंगे तो उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। भैया बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? सिलेबस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस आप ये मान के चलिए कि ताबूत में आखिरी कील मार रहे हैं। ठीक है जी, दो तीन क्लासेस हैं, खत्म है आपका। अब आप अपने दौर को एंजॉय कीजिए, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग जाएगा, आज लग जाए। मैंने बना दिए हैं, मार्क कर दिए हैं, टीम को दे दिया है मैंने। ठीक है, काजल का नंबर आप लोगों के पास में होगा, एक बार आप उनको मैसेज भी डाल दीजिएगा, कॉल भी कर लीजिएगा, नहीं तो आज वो लगा देंगे, मैं बोल के आया हूं। हाँ जी, देखिए भैया मैं ना चार्जर से कनेक्ट हो गया हूँ, तो ज्यादा लंबी मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी बैटरी होगी डाउन, लगातार क्लास चल रही थी। बट फिर भी जितना पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। स्क्रीन पर लिखने का काम मेरा कम से कम है क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। बैंक रेट, अब बच्चे बात करते हैं बैंक रेट का क्या होता है। तो बैंक रेट में भी सेम सी सिनेरियो है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोलती है कि सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक हमें लोन दे दो। तो सेंट्रल बैंक बोलेगी दे तो देंगे, हमें चाहिए ब्याज। लेकिन ये तो पहले भी था, लेकिन पहले शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा था, अब लॉन्ग टर्म के लिए लोन दूंगा, लंबे समय के लिए, 20 साल बाद लौटा देना, 25 साल बाद लौटा देना। लॉन्ग टर्म लोन जब सेंट्रल बैंक देता है ना कमर्शियल बैंक को, और जिस रेट पे देता है उस रेट को हम बैंक रेट कहते हैं, समझे? तो सेम सीन होगा भैया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में पैसे इकोनॉमी को, मनी को इकोनॉमी में इंजेक्ट करने की नीड है या ड्रॉ करने की नीड है? इन्फ्लेशन में निकालने की जरूरत है, विड्रॉ करने की जरूरत है या ना मनी को? अब विड्रॉ कैसे होगा? बैंक रेट बढ़ा देंगे, उससे जो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा और उससे जो है डिस्करेज हो जाएंगे बोरोअर्स और लोन कम लेंगे और बैंक का क्रेडिट क्रिएशन को वो कम कर देगा। और रिसेशन में क्या करेगा? बैंक रेट कम कर देगा, इससे क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ लोन डिक्रीज हो जाएगा और इससे इकोनॉमी के अंदर लोन ज्यादा जो है सर्कुलेट हो जाएगा। किस केस में? रिसेशन के केस में। मैं दोनों बात बता चुका हूं, अभी आप उसी पे हो गया, दूसरी बात भी हो चुकी है, नहीं समझे? क्लियर है? रिसेशन में क्या करेंगे बताइए। वो खुद अपलोड कर देगी कंटेंट में सबके लिए। ठीक है, समझ तो में आ गया जी आपको? अब भाई कमर्शियल बैंक पे नहीं कर पाए, वो बर्बाद होगी बीच में, मेरा टॉपिक नहीं है ये, टॉपिक है सरकार का, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का,
और ये सेंट्रल बैंक का, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है बैंक रेट बढ़ाना। मैं फ्री बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ सिक्योरिटी अपने पास में डिपॉजिट रखती है सेंट्रल बैंक, ऐसे लोन नहीं दे देती है। क्या पता कमर्शियल बैंक आया कि सेंट्रल बैंक लोन दे दो, मैं कहता लोन ले लो, ऐसे थोड़ी होती। आपसे मैं सिक्योरिटी, आपके शेयर्स कुछ गिरवी रखवाए जाते हैं जिससे कि रिकवरी हो सके बाद में, समझे? पहले लिखा था ना, आइए, बैंक रेट इज अ रेट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। आरबीआई यूज बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इट हैज द सेम इफेक्ट एट दैट द रेपो रेट, जैसे रेपो रेट में था वैसा ही यहाँ हुआ। अभी बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा मेरे बच्चे, बड़ा आसान है पढ़ाई लिखाई, खासकर आपकी इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, लेकिन तब जब मेरे पास पढ़ोगे। रिजर्व रिवर्स रेपो रेट फॉर रिवर्स, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उल्टा रेपो रेट, समझे? क्या होगा, क्या कहता है? दिस इज द एक्सेक्ट अपोजिट रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी ये होगा रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट द इंटरेस्ट विच द कमर्शियल बैंक कैन डिपोजिट देयर। भाई क्या होता है? अब तक कौन लोन ले रहा था, किससे ले रहा था, तो जो इंटरेस्ट कौन पे कर रहा था, किसको पे कर रहा था? कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा था सेंट्रल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन लेके जा रहा था सेंट्रल बैंक से, तो इस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट पे कहानी उल्टी हो जाएगी। इस बार उधार कौन लेगा? सेंट्रल बैंक। देगा कौन? कमर्शियल बैंक। इंटरेस्ट पे कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। तो ये उल्टी कहानी होगी ना, तो जो इंटरेस्ट पे करेगा सेंट्रल बैंक उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब आप एक बैंक है, आपके पास में, बच्चे ने पूछा भी आज तक क्यों, तो आप एक बैंक है, आपके पास में 1 लाख रुपया जमा हुआ, पब्लिक ने जमा करवाया, आपने कह भी दिया कि भैया कसम खाए कहते हैं आपको हम 5-7% ब्याज देंगे पब्लिक को, लेकिन आपका पैसा सारा लोन पे चढ़ा नहीं, लोन पे सारा पैसा नहीं चढ़ा, वो पैसा बैंक में रख के फिर ब्याज कहां से दोगे? सरप्लस जो पैसा बच गया आपके पास में बैंक में रखोगे? रखोगे तो उनको ब्याज कहां से दोगे? तो सेंट्रल बैंक के पास में डिपॉजिट करवा देगा, समझे? आप कमर्शियल बैंक है, मेरे पास रखवा जाओगे, मैं सेंट्रल बैंक हूं, बदले में मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दूंगा। भैया जब आपने लिया था तो भैया उधार तो मैंने इंटरेस्ट लिया था ना, जब मैं उधार ले रहा हूं तो भैया आपको इंटरेस्ट बनता है, तो आपको एक इंटरेस्ट पे करूंगा, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बात समझे? क्लियर है? आप सुनिए कहानी क्या होगी कि बैंकों ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। आप कमर्शियल बैंक है, रिवर्स रेपो रेट में इंटरेस्ट किसको मिलता है? कमर्शियल बैंक को। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया कमर्शियल बैंक के लिए कैसी खबर है? खुशी खबर है। क्यों क्यों खुश हो गए भाई तुम सारे? हैं ये सारे बरसाती मेंढक बरसात में जैसे बाहर आते हैं ना, हैं देखे देखे ना बरसाती मेंढकों को, बरसात होती है तो सारे मेंढक टांडा करके बाहर आते हैं, सारे कमर्शियल बैंक बाहर आएंगे, मेरा पैसा रख लो जी, मेरा पैसा रख लो, कृपया करके मेरा पैसा रख लो, अपने पास मुझे ब्याज मिल जाएगा। भाई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब हो गया अब सेंट्रल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, और हर कमर्शियल बैंक चाहिए भैया मिले, तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा थोड़ा कर लाइए भाई, सब सेंट्रल बैंक लो दो इंटरेस्ट। भाई पब्लिक तो भाग भी जाती है, आप तो भागने से भी नहीं रहे, वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक का, सारा तो नहीं, मैक्सिमम पैसा सेंट्रल कमर्शियल बैंक का कहाँ चला जाएगा? तो पब्लिक को क्या चढ़ा पाएगी? कम लोन कम दे पाएगी ना, भाई आपका पैसा मैंने अपने पास से पकड़ लिया, क्या ही दोगे अगले को? आपका 100 रुपये आप देने जाते हो, रुक 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 यहाँ ला, अब दे दोगे तो फिर बोरोइंग कम हो जाएगी इकोनॉमी में, अब बोरोइंग कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो यहां पर भी वही सिनेरियो है कि इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक में रख देती है। क्लियर है जी? एंड वाइस वर्सा। बात समझे? कहानी समझ में कुछ कुछ आ रही है या नहीं आ रही है? कह रहे कि सर 10 ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर करवाओगे आप, 10 ईयर खोली तो सही, क्या उसमें है जो नहीं करवाया हुआ है? पूरा 10 ईयर करवा दिया, 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं, 10 ईयर सॉल्व हो चुका है बच्चे आपका, आप 10 ईयर खोलिए,
पूरा टेंशन सॉल्व करवा दिया आपको, उसके न्यूमेरिकल भी करवा दिया मैंने सॉल्व, समझे? हाँ जी, चलिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भैया? खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं इसको हिंदी में, ओपन मार्केट ऑपरेशन को। इसमें क्या होता है कि मार्केट है तो मार्केट में खरीद बिक्री तो होगी होगी, तो इसमें क्या, इसमें खरीद का मतलब ये नहीं कि सब्जी और कपड़े खरीदेंगे, नहीं। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक है ना, शेयर्स खरीदती है, बात समझ रहे हो? सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक शेयर्स खरीदती है, शेयर्स को बेचती है। अब शेयर्स में से सरकार के शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट के, प्राइवेट कंपनीज हो गई, उसके शेयर हो गए, तो जो भी शेयर मार्केट में शेयर्स होता है उसको खरीदने का काम और उसको बेचने का काम मार्केट ऑपरेशन, ऊपर मार्केट ऑपरेशन होता है। अब इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या करने की नीड है, हमें निकालने की नीड है ना? तो फिर क्या होगा इसमें, इसमें यह होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने शेयर्स, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट कंपनी है तो बॉन्ड्स, इसको बेचेगी। बेचने से क्या होगा, पब्लिक खरीदेगी, उससे क्या होगा, पब्लिक का पैसा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल बैंक पे। भाई मैंने, आप मुझे ये खरीद लो, मेरे से खरीद लो, लो 10 रुपये में दिया, ले लिया, 10 रुपये कहाँ गए आपके? तो सेंट्रल बैंक जब इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ करना चाहती है तो वो अपने इस चीजों को बेचेगी, अपनी संपत्तियों को बेचेगी, मतलब शेयर्स बेचेगी, डिबेंचर बेचेगी, तो वो लोग खरीदेंगे तो पैसा पे तो करेंगे ना, पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक पे। तो इकोनॉमी से विड्रॉ हो गया पैसा, मनी सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गया, और रिसेशन में क्या करेगी, रिसेशन में पैसा डालने की जरूरत है इकोनॉमी के अंदर। अब पैसा डालेगी कैसे बताइए, उनके शेयर्स खरीदेगी, उनके डिबेंचर्स खरीदेगी प्राइवेट कंपनियों के, उनके बॉन्ड्स खरीदेगी सरकारी कंपनियों के, जिससे खरीदने से क्या होगा, पैसा सेंट्रल बैंक का इंजेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर और मनी सप्लाई बढ़ेगी। बात समझे या नहीं समझे बच्चे, क्लियर है? तो क्या कहता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक्स। तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है ना, अब मैं आपका घर बेच सकता हूँ क्या, अपने घर बेच पाऊंगा जो मेरा होगा? तो जो सेंट्रल बैंक, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसी को खरीदती बेचती है, खरीद तो प्राइवेट की भी लेगी बट बेच गवर्नमेंट की सकेगी ना, किसी को कैसे उठा के बेच देगी, समझे? क्लियर, समझ में आया आपको, कोई डाउट? हाँ जी। तो अगला किस्सा आगे बढ़ाएं कहानी, तो क्या हो गया, एक दिन तो सबको ही जाना है, तो समय हो गया तो क्या हो गया, समझे? पढ़े लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, देखते अगर आखिरी पॉइंट है तो खत्म करवा के छोड़ूंगा। माजर रिक्वायरमेंट, दो पॉइंट है लल्ला, कर ही लो, है एक्सप्लेन कर देता हूं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप एक बार बताइए मुझे, एक बार पहले सुन लीजिए, मुथूट फाइनेंस का एक्सपीरियंस आप सबका कहीं ना कहीं रहा होगा, भगवान करे कभी ना रहे, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं क्या, कि मैं गोल्ड लेकर के आपको लोन देता हूं, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा मेरी बात, पहले आप अगर मुझे अपना गोल्ड रखवाओगे तो बदले में आपको लोन दूंगा, ठीक है? आपने 1 तोला सोना 50,000 रुपये का है, 2 तोले सोना लेकर के आप मेरे पास में आए, तो कितने का सामान है वो, 1 लाख का सामान है। आप मुझसे उधार मांगते हो कि सर उधार दे दो और हम आपको ये गिरवी रखवा रहे हैं, अपने 2 तोला सोना 1 लाख रुपए का है, तो कितने का लोन दूंगा, गलत, 1 लाख का दूंगा नहीं, क्यों? कल के दिन सोना अगर डाउन हो जाए, 80,000 का हो जाए, तो फिर आप मुझे पैसा चुकाओगे? मैं फोन करूंगा भैया पैसे दे दो 1 लाख रुपए, आपको मेरा गोल्ड रख लो, क्योंकि आप मार्केट से तो अपना 2 तोला सोना 80,000 में खरीद करके अपने घर ले आओगे, अगर मुझे लौटाने पड़ेंगे पैसे तो कितने लौटाने पड़ेंगे, 1 लाख, तो आप बोलोगे रख लो, तो ऐसे तो भैया मेरा पैसा डूब गया ना, नुकसान में मैं हो गया ना जो लोन दे रहा था। तो कभी भी कोई भी उतना लोन नहीं देता है जितने की सिक्योरिटी रखता है, लोन उससे कम का देता है। अगर 1 लाख का सोना रखा तो 60,000 पे लोन दूंगा, ताकि 20,000 पे डाउन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अपना गोल्ड छोड़ भी दिया तभी मार्केट में बेच करके मैं 80,000 रुपए
निकाल लूंगा, 60,000 का लोन दे रखा है, 20,000 में तब भी प्रॉफिट है। समझे नहीं समझे? तो जो ये गैप है ना, आप बताइए जरा, सामान कितने का रखवाया, लोन कितने का दिया, 60,000 का लोन दिया, गैप कितने का आया भाई, सामान कितने का है, 1 लाख का है, लोन कितने का दिया, 60,000 दिया, दोनों के बीच में गैप कितना है, सामान की कीमत और लोन के बीच में 40,000 का गैप है। इस 40,000 को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यहाँ 40% हो गया, अरे 40% हो गया, अगर मैं इसको 20% कर दूं ना तो लोन लेने वाले को खुशी हो जाएगी, ओहो लाख रुपए पर 80,000 रुपए लोन मिल जाएगा, लाख रुपए की चीज पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% हो गया, यहाँ पर लाख पर 60,000 दे रहा हूं तो कितना गैप है, 40,000 का, ये 40% है लाख का, लाख रुपए की चीज है, 60,000 रुपए लोन दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 40% का गैप है बीच में 40,000 का, तो 40% 40,000 को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलेंगे। समझा समझे भैया, जितने की आप चीज गिरवी रखवा रहे हो और लोन में जितना दे रहा हूं उसके बीच जो गैप है उस गैप को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। यहां कितने परसेंट का है, 40% का, तो इस मादे रिक्वायरमेंट को मैं 20% कर दूं तो क्या होगा, मतलब कि लाख रुपए पर मैं 20% का गैप रखूंगा, मतलब 20,000 का, तो लोन कितना दूंगा, 80,000 रुपए। तो पहले ज्यादा लोन मिल पा रहा है आपको, पहले ज्यादा खर्चोगे, इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बात समझे समझे। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करने से जनता के पास ज्यादा लोन चला जाता है, और मादे रिक्वायरमेंट को बढ़ा देने से जनता के पास में लोन कम जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। मैं आपसे कहता हूं कि मैं 20% आपको दूंगा कम, जो आप जितने का सामान रखवाओगे। पहले तो आपको ध्यान ही नहीं है क्लास में, क्या ही बताऊं मैं आपका भाई। आपने मेरे पास में लाख रुपए का सामान रखवाया, ठीक है जी, क्या लाख रुपए का लोन दे दूंगा मैं, कितने का लोन दूंगा, कम लोन क्यों दूंगा, पता लगा, ये तो पता है, 60,000 रुपए का मैं लोन दूंगा, इतने की मुझे सिक्योरिटी रखवाई आपने, तो कितना मैंने अपने पास, कितने मैंने गैप रखा है इसके बीच में, इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। समझ में आया? तो ये कितना है, 40% है आपके सिक्योरिटी अमाउंट का, तो 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो भी रखने आओगे रखो, उसे 40% कम वैल्यू आपको लोन दूंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% का मतलब क्या होगा, जितने का आप गिरवी रखवाओगे उससे 30% कम लोन चढ़ाऊंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट 50% का मतलब क्या है, जितना आप सामान रखोगे उससे 50% कम लोन दूंगा। बात समझे या नहीं समझे? अरे भाई समझे। तो अब मैं, आप समझ में आया, यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, 40%। इसका क्या मतलब है 40,000 का, हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बच गया, इसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं 40,000 रुपए, ठीक है। तो 40% अब मेरे पास में लोन लेने आओ, समझो पहले, आप बोलो सर लोन दो, बोलो कितने का सामान गिरवी रखवा रहे हो, 60,000 रुपए का सामान गिरवी रखवा रहे हो, ठीक। अरे आप कुछ भी रखवाओ ना, आपकी मर्जी है, आपके सामान है, कितने का रखवा, कुछ भी अमाउंट बोलो, 1 लाख बोल दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ 20% मादर रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये है कि भैया 1 लाख का 20% कम लोन दूंगा, 80,000 लोन दूंगा। समझ में आया? मादर रिक्वायरमेंट, अगर मादर रिक्वायरमेंट 30% होता तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको 70,000 रुपये लोन दूंगा, 30% नहीं दूंगा आपका सिक्योरिटी का। समझे? तो जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाता है कि 5% है, तो पब्लिक के पास में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा लोन, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन, बात समझे। तो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है तो मनी सप्लाई बढ़ाने की नीड है, तो मैं मनी सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दूंगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब भी इन्फ्लेशन है तो भैया पैसे विड्रॉ करने की नीड है ना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूंगा ताकि लोगों के पास लोन कम जाए, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझे, क्लियर है? ये था कि सेंट्रल बैंक इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है।
बात समझे या नहीं समझे, भाई समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? तो सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया उम्मीद कर। चलो इसके ऊपर, इसको बेसिकली सीआरआर भी बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है, आप एक कमर्शियल बैंक है, मैं सेंट्रल बैंक हूं, जो भी डिपॉजिट होगा कुछ पैसा तो आपको अपने पास में एनी टाइम अपने ब्रांच में रखना पड़ेगा, ताकि कोई विड्रॉ करने आएगा तो उसको आप रिटर्न कर सको। लेकिन कुछ एक फिक्स अमाउंट आपको सेंट्रल बैंक के पास में भी रखना पड़ता है। हाँ, कुछ इंटरेस्ट जरूर देती है सेंट्रल बैंक, उस पैसे को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक अपने पास में रखवा लेगी तो आपकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर सीआरआर 20% है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में जितना भी डिपॉजिट हुआ है कमर्शियल बैंक को, तुम उसका 20% मेरे पास रख के जाओ, सेंट्रल बैंक ही कहती है। अगर 20% से मैं 30% कर दूंगा तो मतलब कि आपको अपना ज्यादा पैसा मेरे पास में ब्लॉक करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब पब्लिक को लोन देने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, तो आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और जब रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, जरूरत है मनी सप्लाई बढ़ाने की, आप रखने आ रहे हो, अरे यार क्या क्या करूंगा मैं 20% का, 5% रख जाओ मेरे पास, बाकी पैसा दो पब्लिक को लोन दो, समझे? ठीक है, तो इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाए सेंट्रल बैंक के पास में, और रिसेशन में सीआरआर को कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास में ही रहे, लोन दे। बात समझे, क्लियर है भैया? समझ में आया या नहीं आया? मिलते हैं भैया फिर अगली कक्षा में, ठीक है।